नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी हेल्प हिंदी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये सरलीकरण के क्वेश्चंस है। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है और इसके बाद यह दूसरा क्वेश्चन है, तो हम लोग इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहले प्रश्न पर, पहला प्रश्न दिया है कि 8 माइनस बड़ा कोष्टक है 5 माइनस, फिर छोटा कोष्टक में -3 + 2 और इसके बाद छोटा कोष्टक बंद, यहाँ पर बड़ा कोष्टक बंद, इसके बाद भागा 2। और यहाँ पर मोड में दिया है 5 - 3 माइनस, फिर मोड में 5 - 8 फिर भागे 3 दिया है। इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग कोष्टक को हल करते हैं, कोष्टक को हल कर देंगे। यहाँ छोटा कोष्टक है तो यहाँ पर देखिए -3 दिया है और यह +2 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा। यह हल होकर के कितना हो जाएगा इसका मान, -1। यहाँ पर इसका मान कितना होगा, -1। इसके बाद यहाँ देखिए, इसको लिखेंगे यहाँ से ऐसे 5 माइनस, यहाँ पर माइनस था और यह माइनस, तो -- कितना हो जाएगा, +1 और यहाँ पर भागे 2 है। इसके बाद बटा यहाँ से 5 - 3 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मोड में 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस, यहाँ पर 5 - 8 है तो यहाँ पर कितना होगा, -3 होगा, मोड में -3 और भागे 3। इसके बाद यहाँ पर 5 + 1 = 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर -6 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 - 6 भागे 2 बटा में। यदि कोई संख्या मोड में निगेटिव है, मतलब कि माइनस में, यदि कोई संख्या मोड में है तो वह बाहर निकलने पर + हो जाती है, तो यहाँ पर तो + में ये है, यहाँ से 2 हो जाएगा। इसके बाद यह माइनस, अब यह मोड में -3 है तो यहाँ बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, केवल 3 निकलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर भागे 3। अब यहाँ से 3 में 3 से भाग देंगे तो इसका मान हो जाएगा आपका 1। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर भाग देंगे क्योंकि पहले बड़े वाले चिन्ह को हल करते हैं। यहाँ पर भाग देंगे तो 2 - 6, यहाँ से हो जाएगा 8 - 3 और यहाँ पर हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर कितना होगा, 8 में से 3 गया 5। अर्थात जो इस प्रश्न का उत्तर होगा 5, इस प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि 11 - 5 गुणते, फिर बड़े कोष्टक में 12 + ये मझला कोष्टक है 13 + छोटा कोष्टक में 18 - फिर 11 - 5 पर डंडा कोष्टक है, ये इसको डंडा कोष्टक कह सकते हैं, इसको कहते हैं इसको। फिर छोटा कोष्टक है, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, तो सबसे पहले इसमें यह वाला कोष्टक ही हल होता है, तो यहाँ पर हल करेंगे इसको। तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पर माइनस है तो -6 हो जाएगा, या 18 में से 6 जाएगा तो इस 18 में से 6 जाएगा तो 12। अर्थात इस पूरे जो संख्या है यहाँ पर, इसका पूरे का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। चलिए यहाँ भी लिख लेते हैं, यहाँ से 11 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसके बाद गुणते, यहाँ पर 12 लिखेंगे + यहाँ पर 13 और इस पूरे का मान कितना आया है, 12 आया है, तो यहाँ पर +12 लिख लेंगे। और यहाँ पर बड़ा कोष्ठक, क्योंकि यहाँ से 11 में से 5 गया तो 6 हो जाएगा और -6 हो जाएगा यहाँ पर, अब तो यहाँ पर 18 में से 6 गया 12 हो जाएगा, यहाँ पर +, यहाँ पर ये 12 हो जाएगा और यह 13 है तो 13 + 12। इसके बाद इसको हल करेंगे, यहाँ पर 6 × 12 + यहाँ से 13 और 12 जुड़ जाएगा तो 25 हो जाएगा, 13 × 12 = 25। इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 25 और 12 को जोड़ लेंगे तो 5 × 2 = 7 और 2 × 1 = 3। अर्थात यहाँ पर 6 × 37। अब इसको जब गुणा करेंगे तो 6 × 7 = 42, हासिल लगा 4 और 6 × 3 = 18, 18 और 4 = 22, तो इसका आंसर कितना आएगा, 222 इसका आंसर आ जाएगा।